मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहाब खोखर है और मैं callvet.dk की तरफ से इक्वाइन वेलफेयर एंड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के तहत आज एक मॉड्यूल के साथ आया हूँ जिसका नाम है बेसिक एनाटमी या बेसिक एनाटमी ऑफ हॉर्स। बेसिक एनाटमी के अंदर जो है ना घोड़े का क्या आ जाता है, इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपने घोड़े को अप्रोच करना है वो उसको अपने अतमाद में लेना है, तभी कहीं जाके वो आपके पास जो है ना आएगा। अतमाद में नहीं लोगे तो ये आप ही कुछ आएगा, सही है। तो शुरू करते हैं पहले जो है ना इसके फेशियल पार्ट से। फेशियल पार्ट के अंदर कौन कौन से इसके बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, सबसे पहले जो है ना ये अब इसका हेड है। अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहली चीज़ आ जाती है ये, इसका ये फोरहेड है। फोरहेड के ऊपर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पोल, पोल यानी कि अपर पार्ट ऑफ दी फोरहेड, ये है पोल। पोल के साथ इसके ईयर्स हैं, ठीक है, दोनों ईयर्स। अब ईयर्स के बाद ये आ जाता है इसका आईज, दो आईज हैं, और इस आईज के अंदर ये जो बिल्कुल आपके मीडियन प्लेन के साथ जो एरिया फेस कर रहे हैं कहते हैं मीडियन कैंथस, और जो लेटरल साइड पर से कहते हैं लेटरल कैंथस आइज का। और उसके बाद ये सारी जो इसकी नेजल बोन है और इसके ऊपर एक मार्किंग है जिसे कहते हैं स्टार मार्किंग, और भी बहुत से तरह की होती हैं, स्टार होती है, स्ट्राइप होती है, स्नाइप होती है, ब्लेज होती है, बेल्ट होती है, और तरह की होती है, लेकिन ये स्टार मार्किंग। उसके बाद जो है ये अब आप नीचे आते जाते हो तो ये वाला जो सारा पार्ट है ये इसका मसल है। यहाँ से जो है ना आप इसका डिहाइड्रेशन का स्टेटस भी चेक करते हो, ड्राई है तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड है, अगर वेट है तो ये नॉर्मल है। एतमाद में रखना है, एतमाद में रखोगे तो आपके साथ ही रहेगा। ये इसका आप आ जाते लिप, अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है। फिर उसके बाद ये चिन ग्रूव आ जाती है इसके नीचे ये वाली, हेलो, ये चिंग्रूव आ गई। तो उसके बाद ये जो है ना इसका सारा थ्रॉटलैश है। थ्रॉटलैश के बाद ये सारी इसकी जुगलर ग्रूव है, ये वाली जितनी भी है इधर से जो है ना इसकी आती है जुगलर वेन, जुगलर ग्रूव से यहाँ पर आप जो है इंट्रावीनस इसके एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हो। अब इधर से आ जाते हैं ये नेक वाला एरिया इसका सारा, ठीक है, पूरी की पूरी नेक है। और नेक के ऊपर जो सबसे ऊपर ही कह लो बॉर्डर है, बॉर्डर को जो है ना इसको हम कहेंगे क्रेस्ट, और क्रेस्ट के ऊपर जितने बाल निकले हैं इसे कहेंगे मेन, मेन और क्रेस्ट, ये दो पार्ट्स आ गए। उसके बाद जो है ना ये हाईएस्ट पार्ट जहाँ से शोल्डर और यहाँ पे एक हाईएस्ट पार्ट बनता है इसको कहते हैं विदर वाला, जो ये है जी विदर, ठीक है, ये विदर वाला पार्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाते जाते हैं, ये वाला एरिया जहाँ पर हम इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, यानी कि मस्कुलर एरिया है, उसके इधर जितने भी है ना सारे वो वर्टिब्रेज जाते हैं, इसके सर्वाइकल वर्टिब्रेज। ये आ जाता है आपका पूरा स्कैपुला, स्कैपुला के ये जो है ये क्रैनियल बॉर्डर, ये पीछे वाला डॉर्सल कॉडल बॉर्डर, करते कराते नीचे आते तो ये बनता है पूरे का पूरा शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के बाद ये यहाँ पर आके बनता है ये ओलिक्रैनियन बोन है, तो जहाँ पर ओलिक्रैनियन बनता है और ये वाला जो बनता है क्या बनता है ये एल्बो जॉइंट बनता है, एल्बो जॉइंट। और नीचे जाते जाते हैं तो ये वाला जो बनता है जॉइंट ये बनता है नी जॉइंट, इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे कार्पल्स वगैरह होते हैं। इस एरिया के अंदर जो है रेडियस अल्ना होती है, यहाँ पर करके ह्यूमरस होती है, और ऊपर ये सारा स्कैपुला है। और नीचे आते जाते हैं तो ये जो है ना इसकी कैनन बोन है, ठीक है, ये फोर कैनन भी इसे कह सकते हैं वो, और वो हाइंड कैनन, ठीक है, ये है मेटाकार्पल बोन, ये सारी की सारी मेटाकार्पल बोन है। और इसके पीछे से जो है ना काफ़ी सारे इसके टेंडन्स वगैरह गुजरते हैं मसल्स के, यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो बिल्कुल कैलस सा पोर्शन बना हुए हैं जो बिल्कुल आउटग्रोथ से बैक साइड पर बनी हुई है, ये है एरगेट, एरगेट। और उसके ऊपर ये वाला जो है ना जितना इधर जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पर बनता है फैटलॉक का जॉइंट, इसके पीछे इधर करके बनता है पैस्टन, और ये पैस्टन का जो लोअर पार्ट है और फिर आगे हूफ स्टार्ट हो जाता है। और ये वाला जो एरिया ये है कोरोनेट, कोरोनेट, पैस्टन, फैटलॉक, और इसके अंदर हूफ के अंदर जो है ना जॉइंट होता है उसे कहते हैं कॉफिन जॉइंट। तीन जॉइंट है नीचे मेन, एक है पेस्टल जॉइंट, उससे पहले फेटलॉक जॉइंट, फेटलॉक जॉइंट को कहते हैं मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट। उसके बाद जो है ना फिर अगला आ जाता है पेस्टल जॉइंट, यानी कि वो जो है ना दो फैलेंस के दरमियान में होता है पेस्टल। फिर अगली जो है ना कॉफिन बोन, कॉफिन बोन, और उसके बाद जो सेकंड फैलेंस उसके दरमियान में जो जॉइंट बनता है वो कॉफिन जॉइंट बनता है। फोर लिम में भी यही है इस साइड पे, हैंड लिम में भी ऐसा ही है। और इधर एक चीज़ आके देखें, ये वाली चीज़ है, ये हॉर्नी सा स्ट्रक्चर है और कैलस सा जो बना हुआ है ये वाला, इसको जो है ना कहते हैं चेस्टनट। ये फोर लिम पे भी होता है, हैंड लिम पे भी होता है, ठीक है। ये सारा जो खाना, ये एक जॉइंट की भी थोड़ी सी एनाटॉमी आ गई है, और ये जो मेन चीज़ें जिनका पता होना चाहिए, जैसे ये एल्बो है, ये शोल्डर है, ये नी है,
बाकी थले पैर ही है, ये हो गया। बाकी ये वाला जो एरिया ये है बैक, ठीक है, फिर लाइन आ जाता है और फिर ये जो हाईएस्ट पार्ट ऑफ बटन है, हिप जॉइंट का जो हाईएस्ट पार्ट आता है, इसे कहते हैं क्रू। ये क्रू आ जाता है, क्रू जब एंड होता है उसके बाद जो है ना ये टेल सारी स्टार्ट हो जाती है, बेस ऑफ टेल, स्विच ऑफ टेल, ये बेस जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बाद आगे सारी ये स्विच ऑफ टेल, ठीक हो गया, बाल जितने भी हैं। और यहाँ पर जो है ना ये इसका बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है ये वाला, जिससे जो है ना बंदा मर सकता है अगर इसने अपना उठा लिया तो। लेटरल साइड पे खड़े होके जो है ना आपने इसको अप्रोच करते रहना, बैक साइड पे गए तो आप खतरे में हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे हैंडलर हो तो बैक साइड पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन अपने आप के जो है प्रोटेक्शन फर्स्ट दे रहे हो। मुझे बाल पड़ गया ना, जितनी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था घोड़े की लेफ्ट साइड पे दे रहा था, अब ये घोड़े की है राइट साइड सारी की सारी, ठीक है। वही वाली चीज़ है, ये है ब्रेस्ट है, ये मेन है, ये विदर है, ये बैक है, लॉइन, क्रूप, उसके बाद आगे टेल स्टार्ट हो जाती है। ये जो एरिया सारा ये बैरल है, राइट साइड के ऊपर वो जो है ना ये फ्लैंक, अब ये घोड़ा इधर खड़ा हुआ इस टाइम लेफ्ट साइड से, अब लेफ्ट साइड से ये जितना एरिया पेट वाला ये इसका बैरल है, ये वाली साइड जो ये फ्लैंक है बिल्कुल वी शेप। मैं ज़रा घोड़े से दूर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जो ज़रा ये जो है ना थोड़ा सा बिहेवियर शो कर रहा है कि फिर किक कर सके, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देना, ऐसा ऐसा करके हम इसके पास जरूर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इसका फ्लैंक एरिया है, फ्लैंक के बाद इससे इसका हिप जॉइंट आ गया। अब बैक साइड से जो रह गई थी हमारी हैंड लिम रह गया था सिर्फ, ठीक है, टेल के बाद। ये आ गया आपका हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के बाद ये आता है स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल जॉइंट जो बनता है पटेला, फीमर और टीबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट के मिलते हैं, ठीक है। ये सारा स्टाइफल जॉइंट है, इधर करके हिप जॉइंट है, इधर आप करते जाते हैं। ये जितना एरिया है ये वाला, इसे कहते हैं गैस्किन, गैस्किन का एरिया स्टाइफल और हॉक के दरमियान का एरिया होता है, सही है। अब ये जो जॉइंट है ये हॉक है, और ये पीछे जो ये उभरी हुई ट्यूबरोसिटी है, ये क्या उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये बोन है जिसे कहते हैं कैल्केनियन बोन, कैल्केनियन बोन के ऊपर ट्यूबरोसिटी, कैल्केनियन ट्यूबरोसिटी, उसके ऊपर से जो है ना ये मसल का जो है ना टेंडन निकलता है, ठीक है। और अब ये सारा हॉक जॉइंट है, हॉक जॉइंट के बाद ये इसकी हाइंड कैनन है, हाइंड कैनन का मतलब है मेटा टार्सल है ये, और ये मेटा टार्सल का जो है ये डॉर्सल पार्ट है, यानी कि जो आगे वाला होता है ना हैंड लिम के केस में, सॉरी हैंड लिम कह रहा हूँ लोअर लिम के केस में, डिस्टल लिम के केस में वो हो जाता है डॉर्सल, पीछे वाला ये प्लांटर एरिया है, फोर लिम में ये पाल्मर एरिया है, प्लांटर एरिया में फिर नीचे आते जाते हैं ये, फिर पीछे एरगेट है, एरगेट के बाद ये सारा फेटलॉक जॉइंट, फेटलॉक के बाद वेस्टर्न, और वेस्टर्न के बाद नीचे कॉफिन, तो क्लियर बह रहे हैं। ये सारी जो है ना सारी इसकी बेसिक एनाटॉमी है, पूरे सर से लेके पैर तक बेसिक, जिसका जो है ना सबको पता होना चाहिए हर हॉर्स हैंडलर को और हर हॉर्स ओनर को, तो हर वेटरनरी को आसपास तो पता होना चाहिए, सही है। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये इस पूरी टीम का जिसके अंदर ये आते हैं, हाँ, इफ्तिखार और इकराम भाई का और साथ वो चाचा जी हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है ना मौका दिया अपने घोड़े के साथ खेलने का भी और ये वीडियो बनाने के लिए भी।